अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे हर एक। तो चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। गाइस जब से रमजान गया है न कसम से मुझे ये पूरा दुनिया बोरिंग लग रहा है, और ईद को गुजरते हुए 2 दिन हो गए हैं। ये 2 दिनों के अंदर मैं घर से कभी भी बाहर नहीं गया क्योंकि दिल ही नहीं कर रहा है बाहर जाने को। तो अभी भी शकील ने बोला चलो थोड़ा बाहर जाते हैं, तो इसी वजह से हम लोग बाहर आ गए हैं। अभी थोड़ा मस्ती मजाक करते हैं, थोड़ा वॉक भी करते हैं ताकि टाइम भी पास हो जाए और हम लोगों का मूड भी सही हो जाए। तो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों का मस्ती स्टार्ट हो गया है। गैस हमेशा की तरह हम लोग बकवास करते करते फिर हमें लगता है प्यास, तो अभी भी हमें लगा प्यास। और यहाँ पे अभी हम लोगों को दिख गया एक फ्रिज, तो हम लोग यहाँ से पानी पियेंगे। और मुझे तो उस टाइम से प्यास था जिस टाइम मैं घर से निकल रहा था, तो अभी मुझे फ्रिज दिखा तो यहाँ से मैं पानी, वाह ये पानी ठंडे है गैस, इतना ठंडे पानी है, तो अभी पीते हैं बिस्मिल्लाह करके गला खराब ना हो, वैसे गला जल्दी मेरा खराब होता है। और इस फ्रिज के पास देखो कितना खूबसूरत फूल है माशाल्लाह। गाइस पानी तो मैंने जी भर के नहीं पिया, बस थोड़ा सा पिया था कि गला थोड़ा गीला हो जाए, अगर ज्यादा पीता तो फिर मेरा गला खराब होता, इस वजह से मैंने ज्यादा नहीं पिया। तो ये दोनों को देखो, आपने ज्यादा पानी पिया, जी भर के पिया, और इस कड़ीस ने शकील आपने जी भर के पानी पिया या थोड़ा पिया? मैंने तो बिल्कुल पिया ही। क्यों प्यास नहीं लगा? गाइस समीरा बोलते हैं आपका पिक्चर लूंगा, देखता हूँ ये किस तरह मेरा पिक्चर लेता है। हाँ ले लो, जल्दी ले लो, बारिश आ गया। दिखाओ मुझे, ठीक है एक मिनट गाइस, ये पिक्चर है माशाल्लाह। ये और वकास मेरे भांजी ये सारे ऐसे ही फोटो लेते हैं, पता नहीं ये लोगों को क्या है, अतरंगी फोटो लेते हैं, अतरंगी फिल्टर लगाते हैं अपने फोटोज और वीडियोस के अंदर, तो पता नहीं ये लोग क्यों ऐसे करते हैं, आजकल के बच्चे इस तरह करते हैं। गाइज इधर देखो कितना ज्यादा बारिश हो गया। गाइज मेरा नसीब ही ऐसा है, मैं जब भी व्लॉग बनाता हूँ या तेज हवा चलता है या तो बहुत ज्यादा लोग होते हैं वहाँ पे, ज्यादा शोर होता है, या तो बारिश आता है, तो अभी बारिश आ गया। कसम से इससे पहले मैंने एक व्लॉग बनाया, अभी तक मैंने वो अपलोड नहीं किया, उसको अभी जाके घर में अपलोड करता हूँ। तो उसके ऊपर भी मैंने फिर से वॉइस ओवर किया, हालांकि पहले भी उसके अंदर मैंने बहुत सारे बातें की लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे, तो इस वजह से मेरा आवाज़ सही नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर वो आवाज़ बंद करके फिर से उसके ऊपर वॉइस ओवर किया। तो अभी घर जाके फिर मैं वो ब्लॉग अपलोड करता हूँ, आप लोग जाके देखना सही है। तो खैर अभी हम लोग यहाँ पर तो आ गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश, इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब नॉर्मल पानी, नॉर्मल बारिश चल रहा है, तो मज़ा आ रहा है अभी तक, तो हम लोग इन्जॉय करें। जब फुल ज़्यादा बारिश होगा, रुकने का नाम नहीं लेगा बारिश, तो फिर हम लोग भाग कर दौड़ कर जाएंगे घर। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे कितना ज़्यादा बारिश हो रहा है और कितना कम बारिश हो रहा है, क्योंकि ये रोड आप लोग देख रहे हो कितना गीला है, और शायद बारिश का आवाज़ भी आप लोगों को यहाँ पर सुनाई दे रहा है, तो बस इतना सा बारिश हो रहा है। वकास खुद नहीं आया, देखो कितना मजा आ रहा है, अभी चले घर घर। हाँ यार बारिश देखो, वैसे भी मजा आ रहा है, अभी मजा आ रहा है यार, वीक जाएंगे फिर बुखार हो जाएगा यार। वल्ला हम लोग सुबह से घर के अंदर, सुबह से नहीं 2 दिनों से घर के अंदर बैठ बैठ के बोर हो गए, तो अभी मजा आ रहा है। आज गया काम के लिए। हाँ आप तो काम के लिए गए, इंशाल्लाह कल नहीं परसों में भी जाऊँगा काम, हाँ फिर शायद मैं भी थोड़ा बेटर फील करूँगा। बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए, हम सोच में थे जिनके वो रात। गाइस मेरा चप्पल फट गया है, शकील मेरा चप्पल फट गया, देखो यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, देखो गाइस अभी आप लोग मुझे भिखारी मत बोलना कि राज भिखारी है, ऐसा ही चप्पल पहना हुआ है और हमेशा ही एक ही चप्पल पहनता है। आप लोगों को पता है मेरे पैर को एक दाना आया हुआ है, तो उसकी वजह से मैं शूज़ नहीं पहनता हूं। और रही बात चप्पल की, चप्पल है मेरे घर में लेकिन अभी ये चप्पल खलास करके, मतलब ये चप्पल जब पटेंगे तो फिर दूसरा निकालेंगे ना, इसी वजह से, तो सबको ऐसे निकाल के इधर उधर फेंकना तो सही नहीं है, और तो इस वजह से मैं इसी चप्पल को पहनता हूँ और रोज चप्पल पहनता हूँ और ऐसे ही चप्पल पहनता हूँ।
आ जा चलो लेके जाएंगे घर। चलो शायद इसको भूख लग गया। शकील समीना उठाओ, शकील तुम उठाओ। नहीं वैसे हम क्यों इनको नहीं उठाते हैं? बीवी शकील का बेटा है। बाय 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 बाय, वो अपना घर जा रहा है। बाय समीना, बाय कर दो। बारिश अभी रुक गया, फिर से ज्यादा हो गया। गज ये भी हमारे पीछे आ रहा। नहीं नहीं वो गाड़ियों के नीचे जा रहा है क्योंकि बारिश ज्यादा हो गया ना। हमारे पीछे नहीं आ रहा, वो गाड़ियों के नीचे जा रहा है क्योंकि अभी बारिश ज्यादा हो गया। इसको भी तुम्हारी तरह सुकून नहीं है, कभी इधर कभी उधर। वकास की तरह, समीरा की तरह नहीं, वकास भी है कभी। हाँ शकील कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तुम इसको बोलते हो कि तुम इतना स्लो बोलते हो, एक्टिव नहीं होते हो। अभी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि कैसा लग रहा है। तुम भी इसके अच्छा लग रहा है। नहीं इस तरह बोल, वाओ कितना अच्छा लग रहा है, क्या मौसम था, कितना खूबसूरत है। वाओ क्या मौसम है, क्या बारिश है। कसम से तुम मतलब एक्टिव होके भी एक्टिव नहीं दिख रहे हो। मैं अपने व्लॉग में भी ऐसा हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें बार बार बोलता हूँ खड़ूस खड़ूस खड़ूस। गाइस खड़ूस होते हैं खड़ूस, गाइस खड़ूस होता है खड़ूस। मैं इससे पूछ रहा हूँ जो भी होता है, लेकिन तुम हो ऐसा ही। गाइस मैं वैसे मैं भी इसकी तरह हूँ। सेम पानी पी रहा है जगह, फिर से देखो समीरा गया पानी पीने के लिए। गाइस मैं भी सेम इसकी तरह हूँ, इसकी भाई हूँ। गाइस मैं भी इसकी तरह या इसके तरीके इसके तरह गैस मैं भी इसके तरह हूँ, लेकिन बस व्लॉग के अंदर मैं थोड़ा एक्टिव होता हूँ। मैं थक गया अभी नहीं बोल। तुम थक गए? मैं भी यार मेरा पेट निकल रहा है बाहर। देखो गैस इसका पेट अभी बाहर निकल रहा है, टूस रहा है ना। इसका भी गैस का बात नहीं है, मेरा तो ऑलरेडी ये सही था। पता नहीं बारिश कब बंद होता है, कब शुरू होता है, पता ही नहीं चलता। समीरा दुपट्टा पहनो, सर 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 से सरकता जाए समीरा का दुपट्टा। ये मुझे भी रात में दिख गए, फिर भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। वैसे रात में ऐसी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं दिखने में, दिन को बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे दिख गए, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोग देखो कैसा लग रहा है। और हाँ गैज, मैं तो आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाना भूल गया हूँ। आप लोगों को पता है मैं जब भी व्लॉग स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ, तो चलो अभी आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। गैज ये रहा यहाँ का व्यू, माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। और आप लोग भी मुझे कॉमेंट करके बताना कि खूबसूरत लग रहा है या नहीं ये खूबसूरत सा व्यू। तो ये रहा यहाँ का व्यू। गाइस ये समीरा इतना डरपोक है, इतना डरपोक है, इतना डरपोक है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। कसम से वकास इससे छोटा है, फिर भी वो नहीं डरता, ये ज्यादा डरता है। हम लोग इसके साथ हैं और यहाँ पे ऐसा कोई बात भी नहीं है कि मतलब इंसान डरे, ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी ये डरता है। आपको क्या है? कसम कसम कसम। हाँ वैसे बोलो सादा। मैंने अभी क्या बोला? जब से व्लॉग बना रहा हूं कसम 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 से यार, कसम से मैं पता है मैं कसम उस टाइम उठाता हूं जब सच बोलता हूं। मतलब जब नहीं बोला मतलब व्लॉग में वो झूठ बोल रहा है। मैंने कभी झूठ की बात कभी की नहीं, मतलब यार कसम होता है। नॉर्मल बोलो बस, मतलब कसम नहीं होता। अभी तुम कसम उठाओ कि समीरा नहीं डरता है। क्या समीरा नहीं डरता है? फिर कसम क्यों? यार अभी शायद आदत हो गया, पता नहीं। मैं व्यूअर्स लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ, शायद इस वजह से कसम उठाता हूँ। जब इसने कसम नहीं उठाया इसका मतलब है ये झूठ बोल रहा है। यार जो चीज मुझे दिखाना नहीं होता है या बोलना नहीं होता है तो वो मैं ना बोलता हूँ ना दिखाता हूँ, तो बस सिंपल सा बात है। मैं भी ऐसा हूँ क्योंकि पहले एक व्लॉग में मैंने भी बोला झूठ बोला। झूठ नहीं मतलब जितना मुझे हो पाता मैं सच बताता हूं। गाइस मैं भी इसी तरह हूँ, मतलब सच बोलने की कोशिश करता हूँ और सच दिखाने की, लेकिन कभी कभार ऐसा सिचुएशन होता है। कभी कभार ऐसा सिचुएशन तो कभी कभार ऐसा सिचुएशन होता है कि मतलब वहाँ पे मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ और झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बताना कुछ और चाह रहा हूँ लेकिन बोला कुछ और ज़्यादा है। कब क्योंकि हम लोग सिंपल लाइफ में ऐसा हम लोगों के साथ नहीं होता है। जैसे कैमरा ऑन होता है तो फिर हम लोगों का दिमाग
उल्टा होता है, इसी वजह से कभी कभार ऐसे अल्फाज निकलते हैं जो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, फिर वही बात निकलते हैं। तो इस तरह तो होता है मेरे साथ। अगर आप लोग भी व्लॉग बना रहे हो, आप लोगों के साथ ऐसा होता है या कैमरा के सामने आप लोग भी ऐसे होते हो, तो आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों के साथ ये होता है या नहीं होता है। मेरे साथ तो हमेशा ये होता है। तो ये बात था। अच्छा हाँ सही है गाइज, इधर इतने खूबसूरत पूल दिख गए, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। वैसे ये पूल तो मैं आप लोगों को हमेशा अपने व्लॉग में दिखाता हूँ, लेकिन अभी रात के टाइम भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। ये देखो कैसे मस्त लग रहे हैं। नहीं तोड़ो समीरा, नहीं तोड़ो। इधर देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज्यादा है। यहाँ से स्टार्ट होते हैं ऐसे लास्ट तक जा रहे हैं ये सारे पूल। शकील ये पुल वैसे कितना खूबसूरत है, लेकिन एक नुकसान है इस पुल का, बोलो कैसे? क्या? क्योंकि ये जल्दी गिरते हैं इसके पुल। ऐसे तो शायद सारे पुल गिरते हैं लेकिन ये बहुत जल्दी गिरते हैं। अगर ये घर के अंदर हो गए ना, फिर तुम्हें अपना घर बार बार साफ करना पड़ता है। हाँ, शकील का शादी हो रहा है, समीरा इसके ऊपर पूल फेंक रहा है। गाइस मेरा जब शादी होगा मैं यहाँ से पूल तोड़ के ले जाऊंगा। मुझे तो तुमसे यही उम्मीद है कि तुम फ्री का पूल तोड़ के लेके जाओगे, पैसे से नहीं लोगे। वैसे भी मैं अपने व्लॉग में कहता हूँ मुझे फ्री का चीज पसंद है। यार फ्री का चीज हर किसी को पसंद है, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं कि मतलब छोटा सा छोटा चीज भी वो भी फ्री का हो, और अपने शादी वाले दिन भी फ्री का चीज। लहंगा भी फ्री का नहीं लेना। हाँ फिर अपने बीवी के सारे कपड़े भी फ्री का लेके आओ, खुद के कपड़े लेके आऊंगा। फिर तुम्हारा बीवी दूसरा दिन भाग जाएगा तुमसे। अपने आप के लिए गाता हूँ, नहीं कि आप लोगों के लिए गाता हूँ कि आप लोगों। हाँ कुछ गलत बोला शकील ने मुझे ऐसा देखा। हाँ क्या गलत बोला? लोगों के लिए नहीं गाते। वो लोगों के लिए गाता हूँ यार, लेकिन मैं ये बता रहा था कि मतलब मेरा मतलब ये था कि मैं किसी शो में नहीं हूँ कि लोग मुझे जज करेंगे आप सही गा रहे हो या खराब गा रहे हो। मैं अपने आप के लिए गा रहा हूँ, मुझे पसंद है गाना, बस ये मैं बता रहा था। गाइस अगर आप लोगों को बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी, माजरत चाहता हूँ, मेरा ये मतलब नहीं था। बस मैं इतना बता रहा था कि मुझे पसंद है, मैं खुद के लिए गाना गाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। समीरा तक गया देखो नीचे बैठ गया। तो गाइस अभी हम लोग बिल्कुल फ्रेश फील कर रहे हैं और अभी जाएंगे घर। तो बस अभी इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को लाजम सब्सक्राइब करें। तो बस अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।